किसी ने क्या खूब कहा है कि वाइफ की बातें और पंडित की कथा दोनों एक जैसी होती हैं, समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनने का नाटक जरूर करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका दोस्त। दोस्तों, एक दिन मेरी पत्नी बड़े प्यार से बोली कि देखो, हमारी शादी को देखते ही देखते 25 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। मैंने कहा, देखते देखते निकले होंगे तेरे, मेरे तो सुनते सुनते निकले हैं। दोस्तों, एक बात तो है, शादी से पहले जिस लड़की को देखने पूरा खानदान जाता है, शादी के बाद वही लड़की पूरे खानदान को देख लेती है। नो 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 नो। दोस्तों, पत्नी से जीतना बहुत मुश्किल है। एक दिन मेरी पत्नी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, शादी वाले दिन तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और तुम्हारी हर बात भी मानूंगी। इस पर पत्नी क्या बोलती है कि और क्या, मैं इतने लोगों के सामने तुम्हारे से बहस करती। दोस्तों, कल मैं टीवी पर रामायण देख रहा था, तो रामायण में एक पात्र था बाली। तो ऐसा कहा जाता था कि जो भी बाली के सामने जाता है उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाता है। Oh, no! मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जब मैं अपनी घरवाली के सामने जाता हूं तो मुझे कमजोरी सी महसूस होती है और मुझे चक्कर भी आने लगता है। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में भी घरवाली के रूप में अवतरित हुए हैं। दोस्तों, अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में पीएम भी कुंवारे, सीएम भी कुंवारे, टाटा भी कुंवारे, बाटा भी कुंवारे, अब्दुल कलाम जी भी कुंवारे, योगी जी भी कुंवारे, राहुल भी कुंवारे, सलमान खान भी कुंवारे, oh, no! और यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी कुंवारे। अब कमबख्त ये निगाहें उस इंसान को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो दोस्तों, ये फनी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी फनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं अगली बार एक और ऐसी फनी वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।